नमस्कार, द न्यूज की स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ काजल साहू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शुभांगी ठाकुर। कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर मार्च निकाला, लेकिन बीते दिन जो हुआ वो हुड़दंग से कहीं अधिक था। दिल्ली से अलग अलग इलाकों में हिंसा देखने को मिली, पुलिस प्रदर्शनकारियों ने ये संघर्ष हुआ है। हालांकि अब आंदोलन करने वाले किसान दावा कर रहे हैं कि उत्पाद से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, बल्कि आंदोलन में कुछ उपद्रवी घुस आए थे। अगर ट्रैक्टर मार्च के पहले किसान नेताओं ने पुराने बयान देखे तो सभी ने पुलिस द्वारा तय रूट पर चलने, शांति से मार्च निकालने और फिर वापस प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने की बात कही थी, लेकिन ट्रैक्टर परेड के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मंगलवार को पूरे देश ने 72वां गणतंत्र दिवस मनाया है। इस दौरान देश के अलग अलग भागों में कई तरह के आयोजन हुए, लेकिन जो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में हुआ वो देखकर किसी का मन प्रफुल्लित हो उठता। छत्तीसगढ़ के कई जिले नक्सल प्रभावित हैं, लेकिन सुकमा जिले के मिनपा इलाके के लिए 72वां गणतंत्र दिवस इतिहास के सुनहरे पन्नों में लिखे जाने जैसा रहा। इस इलाके में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया गया है और पहली बार भारत माता की जय के नारे लगे हैं। सुनकर जरूर आश्चर्य होगा कि अब तक इस इलाके के किसी भी व्यक्ति में तिरंगा झंडा देखा तक नहीं था। पहली बार ध्वजारोहण से ग्रामीणों में खूब उत्साह दिखा और देशभक्ति की भावना दिखी। तमिलनाडु में चुनाव सरगर्मियों के बीच AIDMK के पूर्व महासचिव शशिकला जेल से छूट गई हैं। आय से अधिक संपत्ति के केस में सजा काट रही शशिकला की रिहाई की सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, यानी आज से वो आधिकारिक तौर पर जेल से बाहर हो गई है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमित होने के कारण शशिकला पहले से ही अस्पताल में भर्ती है, उनका बैंगलोर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। ऐसे में अस्पताल से छुट्टी मिलते ही वे अपने परिवार के पास जा सकेंगी। शशिकला के भतीजे TTV दिनकरन ने 2 दिन पहले ही इसकी सूचना देते हुए कहा था कि चिनप्पा को 27 को रिहा हो रही है और डॉक्टरों के चर्चा के बाद अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज भी किए जाने की जानकारी दी गई है। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर जो हिंसा हुई, अब उसको लेकर दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के कई इलाकों में तांडव करने वाले प्रदर्शनकारियों को पुलिस तलाश रही है। इसी में एक नाम सामने आया है, गैंगस्टर लक्का सिंह सिधाना का आरोप है कि लक्का सिधाना और उनके साथियों की सेंट्रल दिल्ली में हुए बवाल में भूमिका है। अब इसी की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट को फिलहाल राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट की उम्र कैद की सजा को निलंबित करते हुए याचिका को 6 हफ्तों के लिए टाल दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई भट्ट की उस पुनर्विचार याचिका के फैसले के बाद होगी जिसमें उन्होंने 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल किया था। इस फैसले में अदालत ने ट्रायल को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए थे। दरअसल भट्ट के वकील कपिल सिब्बल ने सुझाव दिया कि अदालत के लिए पहले जून 2019 के आदेश के खिलाफ लंबित पुनर्विचार याचिका पर विचार करना बेहतर है, जिससे ट्रायल में अतिरिक्त गवाहों की जांच के लिए पूर्व IPS अधिकारी की याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा 1990 में हिरासत में मौत के केस से उनकी सजा को निलंबित करने के लिए दायर याचिका पर आदेश दिया है। संजीव भट्ट को जामनगर में सत्र न्यायालय द्वारा जून 2019 में नवंबर 1990 में जमजोधपुर निवासी प्रभुदास वैष्णवी की हिरासत की मौत के लिए आजीवन कारावास के लिए गुजारे करने के निर्देश भी दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर हुए भारी उपद्रव के बाद दिल्ली पुलिस ने एहतियातन कई सड़कों को बंद कर दिया है, जबकि पुरानी दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। इस वजह से दिल्ली के कई इलाकों और दिल्ली में प्रवेश करने वाली कई सड़कों पर भयंकर जाम की स्थिति है। दिल्ली नोएडा दिल्ली फ्लाईवे पर आज सुबह भारी जाम की स्थिति रही, अभी भी ट्रैफिक सामान्य नहीं हो सका है। दिल्ली में प्रवेश करने वाले इलाकों खासकर आनंद विहार, कालिंदी कुंज, नोएडा लिंक रोड और दक्षिणी दिल्ली के कई रूट्स पर भारी जाम की स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखी और वो घंटों तक रेंगती रही। इस वजह से लोगों को आज दफ्तर पहुंचने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा है। किसी नाबालिग की ब्रेस्ट को बिना स्किन टू स्किन कांटेक्ट के छूने पर पोक्सो का अपराध न होने के बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूथ बार एसोसिएशन ने इसे लेकर याचिका दाखिल की है। हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा कि किसी नाबालिग की ब्रेस्ट को बिना स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के छूना पोस्को के एक्ट के तहत यानी कि यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आएगा। हाईकोर्ट की नागपुर बेंच के जज पुष्पा गेंदीवाल ने अपने 19 जनवरी को पास किए गए अदालत में कहा कि किसी भी छेड़छाड़ की घटना को यौन शोषण की श्रेणी में रखने के लिए घटना में यौन इरादे से किया गया स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नाबालिग को ग्रोप करना यानी कि टटोलना यौन शोषण की श्रेणी में नहीं आता। बता दें कि एक सेंसेशन कोर्ट ने
29 साल के शख्स को 12 साल के बच्चे के यौन शोषण करने के अपराध में 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसे गोंडीवाला संशोधित कर दिया गया है। बम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति पुष्पा गंडीवाल ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा कि यौन हमले में कृत्य माने जाने के लिए यौन मंशा से त्वचा का संपर्क होना जरूरी है। मात्र छूना भर यौन पर हमले की परिभाषा में नहीं आता है। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस और किसानों की भिड़ंत के मामले में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने किसानों से लाठी लाने को कहा था। इसके साथ ही उन्होंने सवाले लहजे में पूछा कि कोई बताए कि क्या बिना डंडे के भी कोई झंडा होता है क्या। दरअसल टिकैत ने उस वायरल वीडियो पर अपनी सफाई दी है, जिसमें उन्होंने किसानों से लाठी डंडे लेकर ट्रैक्टर रैली में आने को कहते हुए सुना जा रहा है। इस पर राकेश टिकैत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, हाँ हमने लोगों से लाठी डंडे लाने को कहा था, आप कृपया कोई ऐसा झंडा दिखा दीजिए जो बिना डंडे का हो, तब मैं आपकी अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा। इससे पहले राकेश टिकैत ने कहा था कि लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाला दीप सिद्धू सिख नहीं है, बल्कि वह बीजेपी का कार्यकर्ता है। टिकैत ने कहा कि दीप सिद्धू की प्रधानमंत्री के साथ फोटो भी है। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली और इस दौरान कई जगह हिंसा भी हुई। दिल्ली के दिल दहलाने आने वाले आईटीओ चौक पर कई घंटे पुलिस और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच हिंसक झड़प होती रही है। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया गया, तो किसानों ने ट्रैक्टर को अपना हथियार बनाया। इस दौरान ट्रैक्टर पलटने से एक किसान की मौत भी हो गई है। इस हादसे में जान गंवाने वाला शख्स एक युवक था, जिसकी उम्र 24 साल थी। नवरित सिंह नाम ये युवक यूपी के रामपुर जिले से आने वाला डिब्बा गांव का निवासी था। नवरित सिंह के 2 साल पहले ही विवाह हुआ था और उसकी पत्नी ऑस्ट्रेलिया में शिक्षा ग्रहण कर रही थी। अपनी पत्नी के साथ वह ऑस्ट्रेलिया में ही रह रहा था, लेकिन वक्त को शायद कुछ और ही मंजूर था। नवनीत अपनी परीक्षा में पास नहीं कर पाया और उसे गांव में ही रुकना पड़ा। कुछ दिन पहले ही वो किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुआ था और जब दिल्ली के ट्रैक्टर परेड का आह्वान हुआ तो नवनीत वहां निकल गया। हालांकि परिवार को इस बात की जानकारी तक नहीं थी। नवनीत परिवार से ये बोलकर निकला था कि वो अपने रिश्तेदार के यहाँ बाजपुर में जा रहा है। दिल्ली उपद्रव पर गृह मंत्री अमित शाह के घर पुलिस कमिश्नर और आईबी चीफ की बैठक चल रही है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर किसानों के दिल्ली उत्पाद पर गृह मंत्री को पूरी जानकारी दे रहे हैं। अब तक 2 साल उपद्रवी हिरासत में लिए गए हैं। कल से उत्पाद में करीब 300 पुलिस वाले जख्मी भी हुए हैं। अलग अलग थानों में अब तक 22 एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। आपको बता दें कि कल के बवाल के बाद दिल्ली में शांति बहाल हो चुकी है। आईटीओ और लाल किले समेत दिल्ली के तमाम इलाके से किसान अपने ठिकानों को लौट चुके हैं। जिन जगहों पर कल उपद्रव हुआ अब वहाँ मौजूद है तो सिर्फ पुलिस वाले। लाल किले को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जमीन के साथ साथ आसमान से भी नजरें रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के सामने न सिर्फ आगे किसी बवाल को टटोलने की चुनौती है, बल्कि चुनौती ये भी है कि उन उत्पातियों को कानून के हवाले किया जाए जिन्होंने 26 जनवरी के ऐतिहासिक मौके पर आईटीओ से लेकर लाल किला तक अपनी हरकतों से शर्मसार कर दिया। पुलिस तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग को खंगाल रही है। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के संचालन को लेकर राहत की खबर है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक 29 जनवरी 2021 से 204 अतिरिक्त मुंबई लोकल ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, जिसके साथ ही 95 मसीदी मुंबई लोकल ट्रेन पटरियों पर दौड़ेंगी। रेल मंत्री द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे में 29 जनवरी को मुंबई उपनगरीय सेवाओं को 2781 से बढ़कर 2985 लोकल ट्रेनें शुरू करने का निर्णय लिया है। इसमें मध्य रेलवे ने उपनगरीय सेवाओं में मौजूद 1580 से बढ़कर 1685 करने का फैसला लिया है, जबकि पश्चिम रेलवे ने 1201 उपनगरीय सेवाओं को 1300 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि इन लोकल ट्रेनों में अभी सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग ही यात्रा कर पाएंगे। दरअसल रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमति प्राप्त होने से यात्रियों को उपनगरीय ट्रेनों के सफर करने की इजाजत है। गणतंत्र दिवस पर किसान संगठनों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली ने मंगलवार को झड़प का रूप ले लिया था। इसमें 300 पुलिसकर्मी घायल हुए। सिंधु बॉर्डर से लेकर आईटीओ और लाल किला तक हंगामा हुआ। गणतंत्र दिवस के दिन हुए इस हंगामे को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। 200 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। 22 के दर्ज हुए हैं, 300 पुलिस वाले घायल हैं। किसान संगठनों ने इस हिंसा को खुद से अलग करते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही है। इस पूरे मामले को लेकर कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था कि संविधान की मान्यता के पर्व पर देश की राजधानी के दृश्य लोकतंत्र की गरिमा को चोट पहुंचाने वाले हैं। याद रखिए, देश का सम्मान है तो आप हैं। हिंसा लोकतंत्र की जड़ों में दीपक के समान है। जो लोग मर्यादा के बाहर जा रहे हैं वे अपने आंदोलन वो अपनी मांग की वैधता व संघर्ष को खत्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3 पत्रकारों के खिलाफ एक न्यूज रिपोर्टिंग करने पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्राथमिकी में 3 पत्रकारों पर सार्वजनिक दुर्व्यवहार और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
पत्रकारों ने पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के बारे में खबर दिखाई थी कि कड़कड़ाती ठंड में भी आधे कपड़े पहनकर कई स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों से कार्यक्रम कराए गए थे। ये पत्रकार राज्य की राजधानी लखनऊ से करीब 170 किलोमीटर दूर कानपुर देहात के स्थानीय चैनलों के लिए काम करते हैं। उन्हीं चैनलों पर यह खबर दिखाई गई है। जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी सुनील दत्त ने शिकायत में आरोप ये लगाया है कि कार्यक्रम में वे तीनों पत्रकार मौजूद नहीं थे। बावजूद इसके उन लोगों ने जानबूझकर योगा और शारीरिक व्यायाम के कार्यक्रम को गलत तरीके से पेश किया। ये कार्यक्रम रविवार यानी कि 24 जनवरी को राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यूपी दिवस मनाने के दौरान आयोजित किए गए थे। बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार खराब हो रही है। राज्य के बीजेपी प्रवक्ता अजफर शमसी को अपराधियों ने मुंगेर में गोली मार दी। अजफर को इलाज के लिए पटना रेफर किया गया है। अपने पार्टी प्रवक्ता अजफर शमसी के गोली मारे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि लॉ और ऑर्डर की चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं कर रहे हैं, इस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ये सब चीजें जल्दी सॉल्व होंगी। गौरतलब है कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर नीतीश कुमार नीत एनडीए सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने इसी माह 19 जनवरी को राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात कर राज्य की कथित तौर पर बदहाल कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध को लेकर ज्ञापन सौंपा था। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद के नेता तेजस्वी ने अपनी पार्टी के एक शिष्टमंडल के साथ सोमवार को राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। कृषि कानून के खिलाफ करीब 2 महीनों से दिल्ली के आसपास किसानों का आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, लेकिन गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाले गए ट्रैक्टर मार्च में राजधानी में जो हिंसा हुई उसने सारा माहौल बिगाड़ दिया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसक झड़प हुई है, सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए और लाल किले में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई है। इस किसान आंदोलन के बीच बार बार एक नाम जो सुनाई दे रहा था वो है सिक ऑफ जस्टिस यानी कि SFJ ग्रुप रहा। ये संगठन भारत में प्रतिबंधित है। बीते दिनों SFJ ने एक बयान जारी की थी जिसमें ये कहा था कि भारत सरकार को किसानों को ट्रैक्टर निकालने दी जानी चाहिए, वरना गणतंत्र दिवस के दिन अगर दिल्ली में हिंसा हुई तो उसके खिलाफ सरकार ही जिम्मेदार होगी। अब ये संगठन फिर चर्चा में है, तो एक बार फिर से जान लीजिए कि आप सिक ऑफ जस्टिस आखिर है क्या। अमेरिका में बने सिक फॉर जस्टिस की शुरुआत 2007 में हुई थी। इस संगठन के मुख्य रूप से एजेंडा पंजाबी में अलग अलग खालिस्तान बनाने का है। अमेरिका में वकील और पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले चुके गुरपंत सिंह पन्नू SFJ का चेहरा है जो लगातार सुर्खियों में बना रहता है। गणतंत्र दिवस के पहले गुरपरवंत सिंह ने हिंसा की लेकर धमकी दी थी। सिक फॉर जस्टिस संगठन ने पिछले साल डेफरमेंट 2020 का आयोजन करने की कोशिश की थी जिससे दुनिया भर में सिखों के शामिल होने को कहा गया था और खालिस्तान बनाने के कैंपेन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई थी। गणतंत्र दिवस पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली थी, लेकिन किसानों के एक समूह ने लाल किले के अंदर घुसकर सिखों के धार्मिक झंडे निशान साहब को फहरा दिया। मंगलवार को रैली के दौरान दिल्ली में हुए तांडव से तमिलनाडु की राजनीतिक तपिश बढ़ गई है। DMK प्रमुख MK स्टालिन ने पूरे मामले के लिए राज्य के सत्ताधिकारी दल AIADMK को दोषी ठहराया है। साथ ही स्टालिन ने यह भी कहा है कि केंद्र सरकार के उदासीन और सुस्त रवैये के कारण किसान प्रदर्शन के लिए मजबूर हुए हैं। MK स्टालिन ने कहा है कि संसद में AIADMK ने अगर कृषि कानून का समर्थन नहीं किया होता तो केंद्र की मोदी सरकार इस कानून को पारित नहीं करा सकती थी। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी में जो हिंसा की घटना हुई है वो केंद्र सरकार के रवैये के चलते हुई है। ट्रैक्टर मार्च के दौरान दिल्ली में भड़की हिंसा के बाद किसान आंदोलन लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच किसान संगठनों द्वारा 1 फरवरी को संसद तक मार्च का जो ऐलान किया गया था अब उसे रद्द किया जा सकता है। बुधवार को ही हो रही किसान संगठनों की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है। किसान संगठनों द्वारा ऐसा ऐलान किया गया है कि 1 फरवरी को सभी किसान प्रदर्शन स्थल से संसद तक मार्च करेंगे। आपको बता दें कि 1 फरवरी को ही संसद में बजट पेश किया जाता है। किसान संगठनों ने ऐलान किया था कि हजारों की संख्या में किसान पैदल ही प्रदर्शन स्थल से भवन तक पहुंचेंगे और मार्च भी करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर हुई हिंसा के बाद बुधवार को सभी किसान संगठन बड़ी बैठक कर रहे हैं जिसमें आंदोलन को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए उस पर मंथन होना है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान संगठनों ने पहले ट्रैक्टर मार्च निकालने की बात कही थी। कई दौर की बैठकों के बाद दिल्ली पुलिस ने कुछ ही रूट पर किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालने की इजाजत दी थी तब, लेकिन किसानों ने शांति के साथ मार्च का भरोसा दिलाया था। लेकिन मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में काफी उत्पात मचा। दिल्ली के ITO नांगलोई सिंधु बॉर्डर टिकरी बॉर्डर समेत अन्य इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की। पुलिस के साथ ही संघर्ष भी हुआ। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बीते दिनों हिंसा के करीब 300 पुलिसकर्मी घायल हुए। अब तक इस मामले में कुल 2 दर्जन से अधिक FIR दर्ज हो गए हैं जबकि 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार से फिर आग्रह किया कि तीनों कृषि विरोधी कानूनों को वापस लिया जाए। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथन का हवाला देते हुए ट्वीट किया, विनम्र तरीके से अब दुनिया हिला सकते हैं। महात्मा गांधी एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लिए जाए। कांग्रेस नेता ने मंगलवार को हिंसा की पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी के कथन का उल्लेख भी किया। गौरतलब है कि किसान समूह की ट्रैक्टर परेड के दौरान कई स्थानों पर पुलिस के साथ झड़प हुई। इसके बाद पुलिस ने किसान समूह पर आंसू गैस के गोले छोड़े तथा लाठीचार्ज किया। दिल्ली की सीमा पर कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने अवरोधक तोड़ दिए। ट्रैक्टर परेड के लिए निर्धारित मार्ग से हटकर प्रदर्शनकारी किसानों का एक समूह मंगलवार को लाल किले में घुस गया और राष्ट्रीय राजधानी स्थित इस ऐतिहासिक स्मारक के कुछ गुंबदों पर अपने झंडे लगा दिए थे। संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ओर से निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा में संगठनों की किसी भी जिम्मेदारियों से इनकार किया है। मोर्चा के सदस्य राजेंद्र सिंह ने कहा, कल जो लाल किले पर हुआ, जो हिंसा हुई, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि कल लाल किले पर धार्मिक झंडा लगाना बेहद गलत है। जिन्होंने कल बैरिकेड तोड़े वे सतनाम पन्नू ग्रुप के सदस्य, उन्होंने दो बार बुलाकर उन्हें समझाइश भी दी थी पर वे नहीं माने। राजेंद्र सिंह की माने तो उन्होंने ये भी कहा है कि दीप सिद्धू जैसे कई लाल किले तक पहुंचे थे और जिन लोगों ने लाल किले पर हंगामा किया वो गद्दार है। हमने तय किया था कि सुबह 10:30 बजे मार्च शुरू किया जाएगा पर पन्नू ग्रुप सुबह 7 बजे निकला और उन्होंने पुलिस से क्यों नहीं रोका, ये हमें सोचने वाली बात है। मोर्चा के सदस्य ने कल लाल किले पर जो हुआ वो बेहद निंदनीय है। दीप सिद्धू ने और लखा सिधाना सारा और एक दिन पहले ही रात में मंच पर आकर भड़काया, मंच पर आकर शराब पी और बदतमीजी की, ये सब धर्म के बेअदबी है। दीप सिद्धू बीजेपी का आदमी है, सनी देओल का करीबी है। उन्होंने कहा कि हम बैठक के बाद अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे। दिल्ली के दंगे को लेकर वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि दिल्ली का दंगा सरकार प्रायोजित नजर आता है। सामान्य दिनों में भी लाल किले में कड़ी सुरक्षा होती है। 26 जनवरी को भाजपा सांसद का करीबी लाल किले के प्राचीर पर कैसे चढ़ सकता है? धान खरीदी को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि भारत सरकार के गतिरोध के बावजूद हमने रिकॉर्ड खरीदी की। सीएम और राज्य सरकार इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जिन किसानों ने पंजीयन कराया उनसे धान खरीदी जारी रहेगी। केंद्र सरकार से हमारे 3 अनुरोध हैं। छत्तीसगढ़ को तत्काल धान से एथेनॉल बनाने की मंजूरी देना चाहिए। प्रदेश से 60 लाख मीट्रिक टन चावल उठाव की अनुमति मिले। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में गतिरोध नहीं होना चाहिए। भाजपा की रुकी नियुक्तियों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा में आपसी गुटबाजी और खींचतान की परंपरा रही है। इनकी पार्टी में कभी सहमति और सहयोग से काम नहीं हुआ है। निगम मंडल की रुकी हुई सूची पर बोले कि ज्यादातर नियुक्तियां हो चुकी है, विवाद पर खींचतान जैसी कोई स्थिति नहीं है, बची हुई नियुक्तियां जल्द पूरी कर ली जाएंगी। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कॉलिंग नगर के रहवासी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुड़ियारी थाने का घेराव किया है। मामला 18 जनवरी को कॉलिंग नगर की महिला के साथ हुई मारपीट से जुड़ा हुआ है। इसमें दो महिला बुरी तरह से घायल हुई थी। इस घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ युवक महिलाओं को मारते दिखाई दे रहे हैं। लड़ाई में दो महिला को गंभीर चोटें आई है, एक महिला का पैर भी टूट गया तो वहीं दूसरे के सिर में 22 टांके लगे हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है लेकिन महिला पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस ना तो मामले की जांच सही से कर रही है और ना ही आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। इसके बाद से आरोपी घर पहुंच जाने की मार करने की धमकी भी दे रहे हैं। इसी शिकायत के आधार पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कॉलिंग नगर के लोगों के साथ मिलकर गुढ़ियारी थाने का घेराव किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की एक ज्ञापन भी सौंपा है और निष्पक्ष कार्रवाई के लिए 3 दिन का समय दिया है। गुढ़ियारी स्थित पुलिस का कहना ये है कि उन्होंने दोनों पक्ष की तरफ से शिकायत मिली है जिसके आधार पर जांच की जा रही है। इधर घेराव की सूचना के बाद दूसरा पक्ष भी थाना पहुंच गया। उन्होंने बताया कि महिलाओं की तरफ से की जा रही शिकायत गलत है, जहां सारा विवाद इन महिलाओं की तरफ से ही हुआ है। जांगला थाना क्षेत्र में बर्खास्त सहायक आरक्षक की निर्मम हत्या की वारदात सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पूर्व सहायक आरक्षक सोनाराम कुंजाम घर में सो रहा था, इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने सोनाराम कुंजाम पर हमला बोल दिया। जोरदार प्रहार से सोनाराम कुंजाम की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर हत्या की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच करने की बात कह रही है। एसपी कमलोचन कश्यप ने घटना की जानकारी दी है। अवैध शराब के खिलाफ औंधी पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की। भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गिरफ्तार एक नाबालिग भी है। वहीं मौके पर एक आरोपी फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। मुखबिर की सूचना के मिलने के बाद मंगलवार को अवैध शराब पर छापेमार की कार्रवाई की गई। मौके पर पुलिस ने आरोपी मंतोष मंडल कांकेर निवासी, जयराम दुग्गा राजनांदगांव निवासी और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। वहीं कार्रवाई की भनक लगते ही अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। गीत थाना के द्वारा अवैध शराब परिवहन करते हुए मेढ़ाढूर खुर्द में 20 पेटी व जयराम दुग्गा के
बंदर में 58 पेटी के डंप करने के समय पे पकड़ा गया है। इसी तरह से कुल 70 से भी ज्यादा पेटी में 3,900 पौवा मध्य प्रदेश निर्मात गोवा विस्की शराब के 5,07,000 रुपए का जब्त किया गया है। वही मौके पर बोलेरो भी जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। वही मुख्य आरोपी संजीव राणा उर्फ लंबू फरार है, जिसकी तलाश जारी है। जांजगीर चांपा जिले में एक साले ने दीनदयाल अपने जीजा का फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर अपने गांव ले गया। बाद में पुलिसिया डर से खुद अपने जीजा को लेकर थाने में सरेंडर कर दिया। इस अपहरण की वारदात में अपहरणकर्ता साला, उसकी बहन और एक अन्य युवक भी शामिल है। तीनों ने रामपुर चौकी में जाकर सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बर्ड्स की संक्रमक बीमारी बर्ड फ्लू छत्तीसगढ़ के नए इलाकों में पैर पसारने लगा है। अब धमतरी जिले के संक्रमण का नया मामला सामने आया। यहां छाती गांव के एक पोल्ट्री फार्म में बीमारी के वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद फार्म के सभी मुर्गियों को नष्ट कर दिया गया है। 1 किलोमीटर के दायरे को संक्रमण से बचाने के लिए छिड़काव का काम जारी है। पशुधन विभाग ने बताया कि 21 जनवरी को छाती गांव के एक पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मौत की बात सामने आई थी। पशु चिकित्सकों की एक टीम ने वहां जाकर जांच की। उसके बाद मृत मुर्गियों के स्वैब का नमूना राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान भोपाल को भेजा गया। 25 जनवरी को देर शाम वहां की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है, जिसके मुताबिक मृत मुर्गियों के शरीर में बर्ड फ्लू का वायरस मौजूद था। छत्तीसगढ़ की पुलिस आम लोगों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत कर रही है। अब व्हाट्सएप के जरिए भी लोग संगीन मामलों की शिकायत कर सकेंगे। डीजीपी डीएम अवस्थी की इन शिकायतों पर नजर होगी और कार्रवाई न करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डीजीपी की मॉनिटरिंग में चलने वाली इस नई व्यवस्था में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि लोगों की शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण हो। 1 फरवरी से यह नई व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इस व्यवस्था के तहत उन मामलों पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी जिन पर किसी कारण से स्थानीय पुलिस ध्यान नहीं देती। डीजीपी डीएम अवस्थी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम जल्द ही एक नए प्रोग्राम की शुरुआत करने जा रहे हैं। पुलिस की शिकायत सेल समाधान के जरिए व्हाट्सएप सेवा शुरू की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जरा सी बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक की मारपीट की हत्या कर दी गई है। उसके पड़ोसी युवक के साथ ठेला लगाने को लेकर मारपीट हुई थी, जिसके बाद पड़ोसी ने भाई ने पैरोल में छूटने पर हत्या आरोपी को साथी के साथ मिलकर युवक की जान ले ली है। पड़ोसी युवक भी गंभीर हालत में सिम्स में भर्ती है। युवक के पुलिस के मुताबिक वहां बताया कि पुलिस ने वहां मुख्य आरोपी के सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बंधवापारा वार्ड 6 निवासी रविदास मानिकपुरी पास में ही भगत सिंह स्कूल के पास खाने पीने का ठेला लगाता है। पड़ोस में रहने वाला अमित मरकाम भी भाई है, वहीं पे ठेला लगाता है। बताया जा रहा है कि 24 जनवरी को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और मारपीट हो गई, जिसके चलते अमित के भाई का हाथ फ्रैक्चर हो गया और उसे सिम्स में भर्ती कराया गया। इसको लेकर थाने में FIR भी दर्ज कराई गई है। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाने के लिए छत्तीसगढ़ के भी कई शहरों में ट्रैक्टर परेड हुई। कई किसान मजदूर संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ किसान सभा और आदिवासी एकता महासभा ने कोरबा, सूरजपुर व सरगुजा बिलासपुर समेत कई शहरों किसान गणतंत्र परेड आयोजित किया। छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य अध्यक्ष संजय पराते और महासचिव कृषि गुप्ता ने कहा, किसान अपने अनुभव से जानता है कि निजी मंडियों के अस्तित्व में आने के बाद और खाद्यान्न व्यापार को विश्व बाजार के साथ जोड़ने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य की पूरी व्यवस्था ही ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए देश का किसान अपनी अंतिम सांस तक खेती किसानी को बर्बाद करने वाले इन तीनों कानूनों के खिलाफ लड़ने को तैयार है। इन कानूनों को वापस लेने और C2 लागत का 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने के अलावा इस सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है। बालाघाट के रहने वाले संतोष चंद जैन के मोबाइल पर 12 जनवरी को मैसेज आया। मैसेज में लिखा था कि उनके खाते में से 30,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। संतोष चंद कारोबार के सिलसिले में रायपुर आते रहते हैं। यहाँ जयसम चौक के स्टेट बैंक की शाखा में उनका खाता है। इसी बैंक से रकम निकाली गई है। रुपए किसने निकाले, अब इस मामले की जांच रायपुर के मौधापारा पुलिस करेगी। संतोष चंद जैन ने इस मामले में FIR दर्ज करवाई है। संतोष ने पुलिस को उनके तमाम ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन की जानकारी ले रही है साइबर सेल की। मौधापारा थाना पुलिस के इस मकसद की मदद करेगी। संतोष ने बताया कि रुपए 10,000 की किस्त में 3 बार निकाले गए हैं। बैंक में भी उन्होंने संपर्क किया मगर कोई जानकारी नहीं मिली, इसलिए बालाघाट से रायपुर आकर शिकायत दर्ज करवाई है। संतोष चंद ने कहा कि कोरोना की वजह से उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं है। इस तरह की घटना से वो बेहद परेशान है और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मशहूर सिंगर और रैपर योयो हनी सिंह का नया सॉन्ग सैया जी रिलीज हो गया है। इस गाने में योयो हनी सिंह का एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। वीडियो में नुसरत भरोसा का खूबसूरत अंदाज फैन को काफी पसंद आ रहा है। एक्ट्रेस गाने में जबरदस्त डांस करती नजर आ रही है। सैया जी गाना रिलीज होते ही यूट्यूब पर खूब धमाल मच रहा है। वीडियो को चंद ही मिनटों में 4 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। योयो हनी सिंह और नुसरत भरोसा की जोड़ी इस गाने में खूब जम रही है। टी सीरीज के बैनर तले यह गाना तैयार किया गया है। योयो हनी सिंह और नुसरत भरोसा के इस गाने ने नेहा कक्कड़ ने भी अपनी आवाज दी है।
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर बॉबी देओल ने अपने आप को साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीते साल उन्होंने आश्रम सीरीज में अपने किरदार के जरिए सबको हैरान करके रख दिया था। बॉबी देओल का करियर भी उतार चढ़ाव से भरपूर रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए एक्टर ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि उनकी आवाज पतली होने के कारण लोग उन्हें बहन जी बुलाते थे। बॉबी देओल ने इंटरव्यू के दौरान बचपन के बारे में बात करते हुए कहा कि जब मैं बच्चा था तो मेरी आवाज बहुत ही पतली थी। जाहिर है कि जैसे जैसे आप बड़े होते हैं और समझदार होते हैं आपकी आवाज भी बदल जाती है, लेकिन उस समय जब कोई भी फोन आता था और मैं उसे उठाता था लोगों को यही लगता था कि मैं एक लड़की हूँ। ऐसे में वो लोग कहते थे बहन जी धर्म जी घर पर हैं। बॉबी देओल ने इस बारे में आगे बताया कि मैं कई बार इसे इरिटेट भी हो जाता था, लेकिन होटल में आने के बाद से मैंने ये जाना कि केवल रूप नंबर डायल करने से आप बात कर सकते हैं, इसलिए मैं कोई भी नंबर डायल करके बात कर लिया करता था। नेहा कक्कड़ की सिंगिंग का जादू सभी के दिलो दिमाग पर चढ़कर बोलता है। उनके वीडियो फैंस को इतना पसंद आते हैं कि सोशल मीडिया पर देखते देखते वायरल हो जाते हैं। नेहा कक्कड़ जितनी सिंगिंग में माहिर है उतना ही वह डांस में भी माहिर है, लेकिन हाल ही में उनका एक पुराना वीडियो फिलहाल इंटरनेट पर छाया हुआ है। दरअसल नेहा कक्कड़ इस वीडियो में सोते हुए खर्राटे ले रही है, वहीं टोनी कक्कड़ चुपके से नेहा का वीडियो बना लेते हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नेहा कक्कड़ सोते हुए खर्राटे ले रही थी, तभी टोनी कक्कड़ उनका वीडियो बनाने लगे। इस वीडियो में टोनी कह रहे हैं इस लॉकडाउन में मैंने नेहा का एक अनोखा टैलेंट ढूंढ कर निकाला है, दिखाता हूँ। तभी टोनी गाना शुरू कर देते हैं, जिस पर नेहा की आंख खुल जाती है और नेहा टोनी पर तकिया उठाकर फेंक देती है। वीडियो में चॉकलेट के लिए नेहा और टोनी लड़ते झगड़ते भी दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन इन दिनों गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियों में है। वरुण और नताशा 25 जनवरी को शादी के बंधन में बंध गए। इस दौरान उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इसी बीच हाल ही में वरुण धवन की भतीजी अंजनी धवन का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस वीडियो में अंजनी धवन वरुण धवन की फिल्म कूली नंबर 1 के गाने में हुस्न है सुहाना पर जबरदस्त डांस करते हुए नजर आ रही है। बता दें अंजनी धवन सिद्धार्थ धवन और राखी टंडन की बेटी है। सिद्धार्थ वरुण के कजन है। सिद्धार्थ धवन अनिल धवन के बेटे हैं। वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए अंजनी धवन ने फैंस के कैप्शन में ये लिखा है कि क्लास के आखिरी 30 मिनट में हमें कूली नंबर 1 के गाने पर रील वीडियो जरूर बनाना है। यूं तो अंजनी धवन का यह वीडियो बहुत ही पुराना है, लेकिन फिलहाल ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसी के साथ ही आज के स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।